अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं क्राफ्टकास्ट व्लॉग्स। आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्राइडे का व्लॉग। फुल रूटीन शेयर करूँगी, डे रूटीन शेयर करूँगी। हम लोगों ने आज क्या क्या किया। सबसे पहले तो पढ़ी नमाज, जो बहुत ज़रूरी है। फ्राइडे को इंसान ज़रा ज़्यादा अहतमाम करता है, जिक्र इसकार करना होता है और अच्छे तरीके से दुआएँ मांगता है, ज़रा लंबी लंबी दुआएँ मांगता है। मैं तो बस बैठ जाती हूँ और अल्लाह से बातें करती रहती हूँ। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला मेरी बातें सुन रहे हैं और मुझे अल्लाह से ना हर हर बात शेयर करनी होती है। जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी अल्लाह को बताने होते हैं। जो अल्लाह ने दिया होता है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है। बड़ा दिल को सुकून मिलता है जब इंसान अपनी सारी बातें अल्लाह से करके कहता है कि अल्लाह ताला जी, मेरे सारे मसले आपके सुपुर्द, मैं आपके सुपुर्द, मेरा बच्चा, मेरा हामद, सब कुछ आपके सुपुर्द, हमारी हिफाजत करिएगा। बड़ा ऐसे ना सुकून दिल को मिलता है। लगता है बहुत बोझ होता है इंसान पर जो उतर जाता है एकदम। ऐसे कभी आप भी करके देखिएगा, अल्लाह ताला से अपनी बातें शेयर करें, अल्लाह के हवाले सब कुछ कर दें। सीरियसली आपको बहुत अच्छा फील होगा, करके देखिएगा। और जब करें ना तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे। आज फ्राइडे है, दिल करता है बस इंसान मांगता जाए मांगता जाए। अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है, आप जितना भी मांग लें जितना भी मांग लें, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए थे लेकिन मैंने तब वीडियो नहीं बनाई थी, वीडियो मैंने बाद में बनाई क्योंकि जुम्मे टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है, वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं होता। चलें आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या किया। हम आ गए हैं स्टोर, यहाँ से हम लोगों को कुछ चीज़ें लेनी थी। आज मैंने एक नए तरीके की डिश ट्राई की, इससे पहले मैं 2 साल पहले ट्राई कर चुकी हूँ, फिर मैं भूल गई थी कि ये भी मैं बना लेती हूँ। आज फिर ट्राई करने वाली हूँ तो बस उसके लिए चीज़ें लेने आई थी। इस डिश का नाम कोई नहीं है तो आप मुझे कोई नाम सजेस्ट कर दीजिएगा। ये मैंने खुद ही ईजाद की थी, 2 साल पहले की ये बात है। तो मैंने बनाया, वो अच्छा बन गया, तो आज फिर हमें याद आ गया कि एक दफ़ा का जिक्र है कि हमने इस तरह खाना बनाया था और आज फिर बनाते हैं, तो बस उसी के लिए कुछ चीज़ें ले रहे थे। यहाँ पे मुझे चाहिए था गरम मसाला। मैं कभी कहीं घूमती फिर रही थी, कभी कहीं घूमती फिर रही थी कि मुझे गरम मसाला मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे गरम मसाले के बॉक्स की ना पैकिंग बड़ी मज़े की थी, वो बेसिकली गरम मसाला ही था। मैं 2 दफ़ा पास से गुजरी और मुझे पता नहीं चला कि ये गरम मसाला। मैंने ऊपर से पढ़ने की तौफीक ही नहीं की। ये देखे कितना मज़े का बॉक्स है, गर्म मसाले का बॉक्स कब इस तरह होता है। तो खैर, कभी इस तरह भी हो जाता है, ऊपर से पढ़ लेना चाहिए। सर्दी है और सर्दी में एग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खाना भी और बालों पे लगाना भी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कुछ एग्स ले लेते हैं। अच्छा, मैंने सुना पाकिस्तान में बहुत महंगे हो गए हैं, ज़रा मुझे रेट तो बताइएगा पाकिस्तान में क्या रेट चल रहा है। फिर एज यूजली सब्जियाँ, अच्छा ये जो धनिया और सब्ज़ मिर्चें, ये तो जिस चक्कर चाहे ना दिल करता है खरीद लें, थोड़ी थोड़ी मज़ा आता है। ये देखें यहाँ पे छोटी छोटी मूलियाँ भी थी, इतनी प्यारी है, देखें कितनी प्यारी हैं। अच्छा, मैंने इससे पहले बेबी कोकम्बर देखे हैं, बेबी कॉर्नस देखी हैं, ये मैंने पहली दफ़ा देखी है रेडिश। खैर, यहाँ से अब हम लोग आगे गए तो यहाँ पर सारी सब्ज़ी इतनी फ्रेश थी। हम लोगों ने सब्ज़ी लेनी नहीं थी लेकिन सब्ज़ी की फ्रेशनेस देख के हम लोगों ने अच्छी खासी सब्ज़ी भी ख़रीद ली। ये देखें एग प्लांट्स कितने मज़े मज़े के हैं। और ग्रीन जोन सी वेजिटेबल्स हैं ना, वो तो सर्दियों में खाने का बड़ा ही मज़ा आता है। इनका मौसम होता है शायद, वैसे तो अब हर मौसम में हर सब्ज़ी मिल जाती है लेकिन ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, जैसे पालक और इस तरह की जो मेथी, पालक, धनिया, मटर, ये इतने मज़े के लगते हैं। और ये देखें बनाना किस तरह के हैं, इस तरह के बनाना मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं। मैं समझी ये ख़राब हैं, गला हुआ केला है, लेकिन ये ठीक था, इस ख़राब नहीं था। ये भी कोई किस्म होगी शायद इसकी। फिर हम इस साइड पे आ गए, फ्रोज़न की साइड पे फ़िश देखी यहाँ पे। मेरा दिल था कटी कटी फ़िश मिल जाए लेकिन यहाँ पे तो इतनी बड़ी बड़ी फ़िश थी। ये देखिए इसका साइज़ चेक करें, कितना बड़ा इसका साइज़ है। फिर मैंने ये उठा के देखी, फिर मैंने एक और उठा के देखी और सोचा कि ये लें या ना लें। ना मुझसे फ़िश और एग अच्छा नहीं बनता, एग तो फिर भी गुजारे लायक बन जाता है, फ़िश पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे अच्छी नहीं बनती। बाकी सब कहते हैं अच्छी बनती है लेकिन मुझे लगता है अच्छी नहीं बनती। यहाँ पे शमीर साहब गिर गए हैं, मूड एज़ यूजली ऑफ हो गया, ये भाग रहा था और स्लिप हो गया। आजकल इसे बड़ी चोटें लगती हैं, एक वैसे भी इसकी तबीयत ज़रा गड़बड़ है, फ्लू इसे फिर से हो गया है, और एक वैसे भी इसको बड़ी चोटें लगती हैं। अल्लाह खैर करे, इसके लिए दुआ कीजिएगा, इसको बहुत चोट लगती है। ये देखे बेचारा यहाँ पे इस तरह रो रहा है। फिर मैंने कहा चलो मूड ना ऑफ करो, चलाओ चलते हैं। इसको मैं लेके फिर एक साइड पर गई, फिर मुझे याद आया मैंने तो अभी वेजिटेबल्स और लेनी है, लेमन लेना है। फिर मैं वहाँ से वापस आई, अमीर को चुप कराने के चक्कर में मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया, मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या लिया और क्या नहीं लिया। खैर, फिर इस साइड पे मैं आई, यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखी। अच्छा, मैंने एक यूनिक चीज़ देखी, गेस करें क्या, ये ग्रीन ग्रीन बताएं क्या है। ये हैं बेर,
देखिए कितने मजे के ग्रीन ग्रीन बेर हैं। अच्छा मुझे लगता है जो ज्यादा ग्रीन होते हैं ना वो खट्टे खट्टे से होते हैं, लेकिन जो येलो येलो होते हैं ना वो मीठे बेर होते हैं। वैसे मैं बहुत ज्यादा बेर लवर तो नहीं हूँ, मुझे पता नहीं कितने साल हो गए हैं बेर खाए हुए, मुझे अच्छे नहीं कुछ खास लगते, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा एक है कि मुझे लगता है कि जो येलो येलो होते हैं ना वो मीठे होंगे, ऐसा है या नहीं ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बस घूमते फिरते हम लोग आ गए हैं घर, चीज़ें हम लोगों ने डिलीवर करवा दी थी, उठा के अब कौन लेके आए, और बस हम कुछ चलते फिरते आ गए हैं। घर पहुंच के बनाएंगे मज़ेदार सा खाना। अच्छा इसके लिए मुझे एक चाहिए था तवा, तो पहले मैंने ये छोटा तवा देखा, मैंने सोचा इस पे बनाती हूँ, फिर बाजी कहती हैं कि ये छोटा है, मेरे पास एक बड़ा तवा पड़ा है उस पे बना ले। तो फिर ये मैंने बड़ा तवा देखा, इसकी हालत थोड़ी सी खस्ता थी, लेकिन हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया और फिर हमने कहा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत बड़े बड़े पतीले, बहुत बड़े बड़े तवे, पैन, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब आप कहीं बाहर रह रहे होते हो ना, परदेश में रह रहे होते हो, तो इतने ज़्यादा बर्तन आपके पास नहीं होते, इतने बड़े बड़े बर्तन नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे फैमिली छोटी होती हैं। पाकिस्तान में तो बेशक एक टाइम पे देख जितना खाना बन जाए, वहाँ पे तो फैमिली ज़्यादा होती है ना, तो जब इस तरह दावत वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा लगता है कोई हमारा वो सेंटर है, फूड सेंटर जहाँ पे खाना पकता है। तो खैर यहाँ पे इस तवे से अच्छा खासा हमारा काम चल गया था। सबसे पहले मैं अनियंस को फ्राई करी हूँ, अनियंस को बारीक बारीक काट लेना जैसे ऑमलेट के लिए काटते हैं, और उनको फ्राई कर लेना है। फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ आपने ग्रीन चिलीज डाल लेनी है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो कम डालें, लेकिन इसको भी साथ साथ भूनते जाना है। फिर डालना है चिकन और उसको भी भूनना शुरू कर देना है। इस डिश में सारा काम भुनाई का है, बस भूनते जाएं इसको और बनाते जाएं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी बन जाती है, और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं ऐड करनी पड़ती। सॉल्ट, विनीगर और रेड चिलीज, ब्लैक पेपर, और जो आपको मसाले आपको अच्छे लगें आप वो ऐड कर लें। मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया, मसाला, चिली सॉस और थोड़ा सा लेमन, लेमन के कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर मैंने ऐड किए थे, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है तो मैंने सोचा कड़वा खट्टा ना हो जाए। तो बस इसको पकाते जाना है, भूनते जाना है, और जब ये इस तरह का हो जाए तो इसके अंदर थोड़ी सी आपने क्रीम ऐड कर देनी है, एंड पे क्रीम ऐड करके फिर इसको थोड़ा सा और पकाना है, एंड फाइनली ये रेडी हो जाएगा। ये बस तकरीबन रेडी है, थोड़ा सा इसको और भूनेंगे। अच्छा इसके ऊपर वो जो होता है धनिया और सब्ज़ मिर्ची डाले तो बहुत प्यारा लगेगा। मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, धनिया नहीं डाला, क्योंकि धनिया वकास को नहीं पसंद। ऐसे धनिया बहुत प्यारा लगता है, ये दालों चनों के ऊपर भी डला हुआ, और इस तरह की कढ़ाइयाँ और ये जो इस तरह के खाने होते हैं उन पे डला हुआ ना धनिया बहुत प्यारा लगता है। आप लास्ट में डालिएगा और इस डिश का नाम भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा। फाइनली इस तरह से ये रेडी हुई है, ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं, और चिकन ऐसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा तिक्के का फ्लेवर भी आएगा, कोयला हमें लाना नहीं याद रहा था, नहीं तो इसको मैंने कोयले का थोड़ा सा धुआं भी देना था ताकि बारबेक्यू टच आ जाए। बस ये सारे काम करते करते शाम हो गई है, देखें सूरज डूबने वाला है और कितना मज़े का वो गोल्डन आवर्स वाला मोमेंट है। शाम होती देखें और अजान ना सुने, ये तो हो ही नहीं सकता। चलें आई मिल के अजान सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़ और साथ कुछ दुआएं करते हैं। बहुत दिल को सुकून मिल जाता है जब इंसान अजान सुनता है, जब पूरे दिल से सुने ना तो लगता है एक एक लफ्ज़ आपकी रूह तक जा रहा है। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकराफकास्ट व्लॉग्स, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, आपकी सपोर्ट मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।